Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. Today, in this video of class 6th biology, we'll be studying about our new chapter, that is components of food. Your chapter 2 of your textbook, there is a chapter named as components of food. Clear? So let us see. You have already known that our food has different chemical substances called nutrients. पिछले चैप्टर ने आपने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स के बारे में. क्लियर? व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? दैट केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी और दैट आर प्रेजेंट इन योर फूड इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स. अब ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिंस एंड मिनरल्स. दीज आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी और दैट आर प्रेजेंट इन द फूड. क्लियर? न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एज वेल एज कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, देयर बॉडी पार्ट्स फॉर कैरिंग आउट देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. इन सभी चीज़ों के लिए न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है. क्लियर? न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट आर फूड इंक्लूड्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स इन सफिशियंट क्वांटिटी. बिसाइड दीज वी ऑल्सो नीड वाटर एंड रफेज. इसके अलावा, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा, हमको वाटर और रफेज का होना जरूरी है. क्लियर? For the proper functioning of our body system. Understood? We'll see the first among them, that is carbohydrates. Sugar and starch are carbohydrates. Important thing, sugar and starch kya hai? They are carbohydrates. They are nutrients that give us quick energy. Aur carbohydrates kya karte hain? They provide us with a quick energy. Sugars are used to provide energy immediately. Aur sugar energy turant provide karta hai. Clear? स्टार्च रिलीजेज एनर्जी मोर स्लोली देन शुगर. और स्टार्च जो है वो स्लोली एनर्जी रिलीज करता है. किसके कंपैरिजन में? शुगर के कंपैरिजन में. इसलिए जल्दी एनर्जी कौन सा रिलीज करता है? एनर्जी जल्दी आपका शुगर रिलीज करता है. क्लियर? राइस, व्हीट, पोटैटो, बनाना एटसेट्रा, दे आर अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. इफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर कंज्यूम्ड आर मोर देन वॉट इज रिक्वायर्ड बाई आर बॉडी, देन एक्सेस कार्बोहाइड्रेट आर नॉर्मली स्टोर्ड इन द बॉडी एज फैट्स. और अगर हम जरूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक करते हैं तो वो फैट्स के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, फैट्स. देर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैट्स. आर बॉडी यूजेज फैट्स एज एन एनर्जी स्टोर. फैट्स आर स्टोर्ड अंडर द स्किन एंड अराउंड द हार्ट एंड किडनीज. फैट्स स्किन के नीचे और हार्ट और किडनी के अगल बगल में स्टोर होता है. When we are short of energy, our body uses these fats. Fats actually contains more energy than carbohydrate. Carbohydrates के comparison में fats ज़्यादा energy होता है fats में. अगर आप fats का digestion होगा, fats का breaking down होगा, then it will release more energy than the carbohydrates. Clear? The fats stored in our body help us to keep warm. और जो fats हमारे body में store होता है वो हमें warm रखने में, गर्म रखने में मदद करता है. Clear? It helps us to keep warm. Next, fats are obtained from both plants and animals. Fats आपको plants और animals दोनों से मिलते हैं. ठीक है? जैसे आप जितना भी oil हुआ, oil क्या है? It's a source of a plant fat. Plant से मिलने वाला fats है. Clear? जबकि आपके butter, घी, ये सब क्या है? They are the animal fats. Clear? ये आपका butter, घी क्या है? एनिमल फैट्स है. जबकि ये ऑयल्स क्या हैं? दे आर प्लांट फैट्स. इवन द मीट, फिश, एग, चीज़, दे आर ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ फैट. क्लियर? और डेली एक इंडिविजुअल को 70-80 ग्राम्स ऑफ फैट्स का रिक्वायरमेंट होता है. क्लियर? नेक्स्ट, प्रोटीन्स. आर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियन ऑफ सेल्स. दीज सेल्स आर मेड अप ऑफ मेनली प्रोटीन्स. हमारा बॉडी जो है वो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बना हुआ है. ठीक है? और ये सेल्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन्स आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आर सेल्स. वेन वी ग्रो, आर बॉडी नीड्स प्रोटीन टू मेक न्यू सेल्स. और जब हम ग्रो करते हैं तो हमारे बॉडी को प्रोटीन चाहिए टू मेक न्यू सेल्स. आर बॉडी ऑल्सो नीड्स प्रोटीन टू रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज सेल. हमारे बॉडी को प्रोटीन इसलिए भी चाहिए ताकि जो पुराना सेल्स हो रहे हैं, जो सेल्स पुराने हो रहे हैं, उनको रिप्लेस किया जाए.
आर डाइट शुड हैव एनफ प्रोटीन फॉर दिस, और इन सभी चीज़ों के लिए हमारे डाइट में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन का होना जरूरी है। ग्रोइंग चिल्ड्रेन एंड सिक पीपल रिक्वायर मोर प्रोटीन इन देयर डाइट, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ग्रोइंग चिल्ड्रेन और सिक पीपल दे रिक्वायर मोर प्रोटीन इन देयर डाइट। वाई? बिकॉज देयर सेल्स आर बींग नर्चर्ड अगैन एंड अगैन, दे आर बींग रिप्लेस्ड अगैन एंड अगैन। न्यू बॉर्न बेबी में या चाइल्ड में क्या होता है, वो ग्रो कर रहे हैं तो सेल को ग्रो करना पड़ता है, ठीक है। और जो सिक पीपल होते हैं उनके सेल को, जो वर्न आउट सेल्स हैं, ओल्ड सेल्स हैं, उनके जगह पे नया सेल्स बनाना होता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए किसका होना जरूरी है, प्रोटीन्स का होना जरूरी है। क्लियर? प्रोटीन का सोर्स क्या है, मीट, फिश, एग, मिल्क, पल्सेस एंड सोयाबीन, दे आर द सोर्स ऑफ योर प्रोटीन्स। क्लियर? और टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ योर प्रोटीन इज 50 to 60 ग्राम पर डे। पर डे में कितना चाहिए, 50 to 60 ग्राम, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से 1 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। अगर आपका बॉडी वेट 30 kg है तो आपको 30 ग्राम चाहिए, आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको 60 ग्राम चाहिए, अगर आपका बॉडी वेट 50 kg है तो आपको 50 ग्राम चाहिए। क्लियर? हेंस वी कैन से दैट चिल्ड्रेन हु हैव ग्रोइंग बॉडीज रिक्वायर मोर प्रोटीन्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट इन कंपेरिजन टू द ओल्डर पीपल। क्लियर? नेक्स्ट वाइटमिन्स, इसके बाद हम देखते हैं वाइटमिन्स के बारे में, वॉट आर वाइटमिन्स एंड वॉट इज देयर यूज इन आर बॉडी। वाइटमिन्स आर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी रिक्वायर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, और वाइटमिन्स वो ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए, छोटे मात्रे में चाहिए। दे आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी, और ये प्रॉपर वर्किंग ऑफ द बॉडी सिस्टम के लिए इनका होना जरूरी है। If our diet is lacking in any vitamin, we suffer from certain diseases called deficiency disease. और अगर हमारे diet में nutrients का कमी हो, vitamins का कमी हो, तो हम एक तरह के disease से सफ़र करते हैं। इन disease को deficiency disease बोला जाता है। Deficiency का मतलब क्या होता है, कमी, lack. So disease which are formed by the lack of certain nutrients in our diet, they are called as deficiency disease. और अगर vitamin की कमी हुई तो वो क्या क्या होगा, उससे आपको डेफिशिएंसी डिजीज होगा। क्लियर? देयर आर अबाउट 20 नोन वाइटमिन्स, द इम्पॉर्टेंट वाइटमिन्स, देयर सोर्स, इम्पॉर्टेंस एंड डेफिशिएंसी डिजीजेज आर गिवन बिलो। यू कैन सी देयर इन योर चार्ट दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। क्लियर? सबसे पहला वाइटमिन ए, वाइटमिन ए का सोर्स क्या है आपका, मिल्क, बटर, एग, कैरेट, ठीक है, टमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब, कॉड लीवर ऑयल, ये सब क्या हैं, आपके विटामिन ए के सोर्स हैं, ठीक है। विटामिन ए क्यों जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, फॉर नॉर्मल ग्रोथ, फॉर कीपिंग आर आई हेल्दी एंड फॉर कीपिंग आर स्किन हेल्दी, हमारे बॉडी का ग्रोथ के लिए, हमारे आँख के लिए और हमारा बॉडी का स्किन के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस ऑर्गन्स इट इज़ नेसेसरी। क्लियर? और अगर नहीं हो तो क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस, इन विच अ पर्सन कैनॉट सी इन डिम लाइट, डिम लाइट में, कम लाइट में वो आदमी नहीं देख पाता है। क्लियर? दैट पर्सन इज अनेबल टू सी इन द डिम लाइट। नेक्स्ट B1, B1 कहाँ मिलता है, सी फूड, यानी फूड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी, मिल्क, मीट, पीस, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब में क्या मिलते हैं, B1 मिलते हैं। B1 का जरूरत क्यों है, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और इससे डिजीज कौन सा होता है, बेरी बेरी, और ये क्या करता है, इट अफेक्ट्स आर नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, उसे ये अफेक्ट करता है, बेरी बेरी। क्लियर? नेक्स्ट इज विटामिन B2, विटामिन B2 का सोर्स क्या है, ईस्ट, एग्स, मीट, पीस एटसेट्रा, ये सब आपके विटामिन B2 के सोर्स हैं, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर हेल्दी स्किन एंड फॉर ग्रोथ। क्लियर? और इसका डेफिशिएंसी से क्या होगा, स्किन डिजीज या रिटार्डेड ग्रोथ, यानी ग्रोथ आपका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट आपके बॉडी का नहीं हो पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज विटामिन B3, जिसको और क्या बोला जाता है, नियासिन, इसका सोर्स क्या है, होल सीरियल्स, पोटैटोज, टमेटोज, मीट, फिश एटसेट्रा, ये सब आपके सोर्स हैं। क्लियर? और इसके कमी से क्या होता है, पेलेग्रा, इट इज़ अ डिजीज विच अफेक्ट द स्किन। क्लियर? नेक्स्ट इज विटामिन B12, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एग, मिल्क, फिश एटसेट्रा,
इन सभी चीज़ों से मिलता है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है आपका? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBC, जो आपके बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऑक्सीजन गैस को कैरी करते हैं। क्लियर? इनकी कमी से क्या होता है? एनीमिया। इनकी कमी से क्या होता है? एनीमिया। क्लियर? नेक्स्ट, विटामिन सी, ये इंडियन गुजबेरी जिसको आंवला बोलते हो आप लोकल लैंग्वेज में, टमेटोज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, साइट्रस फ्रूट जो खट्टे फ्रूट हुए वो, या वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ फूड। क्लियर? ऑल दीज थिंग्स प्रोवाइड अस विथ अ विटामिन सी, और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। क्लियर? स्कर्वी इन विच गम्स स्वेल अप एंड ब्लीड। क्लियर? नेक्स्ट इज विटामिन डी, ये आपके सनलाइट से मिलता है। क्लियर? तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सनलाइट। क्लियर? सो यू नीड टू नो दैट विटामिन डी, वी ऑब्टेन विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। क्लियर? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट इज विटामिन के, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पाइनेच, कैबेज, सोयाबीन ऑयल एटसेट्रा, और इसके कारण क्या होगा? एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड। विटामिन के आपका क्लॉटिंग में हेल्प करता है। क्लॉटिंग यानी कि जब कभी भी आपका कट होता है, कट होने के बाद ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए क्लॉट बनता है, ठीक है, तो उस क्लॉटिंग में ये मदद करता है। और अगर नहीं हुआ तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा जिसके कारण इंसान का डेथ भी हो सकता है। क्लियर? सो दैट वॉज ऑल द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। प्लीज से इट प्रॉपरली एंड देन द क्वेश्चंस विल बी गिवन देयर, सॉल्व दोज क्वेश्चंस। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो एवरीवन। थैंक यू।